हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीबी, और आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हमें हमेशा मस्त, प्रसन्न, स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया, फिर उसके बाद में सारे सुख हम भोग पाते हैं, अगर ये सुख हमारे पास है। और फ्रेंड्स, ये हमारे पास सुख है नहीं तो चाहे कितने भी सुख हों तो फिर उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग तो हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ही रहता है। जहाँ तक कि सबसे मुख्य काम इस संसार में प्रभु का सुमरण, भजन, कीर्तन, सत्संग, राम का नाम, जो भी परमपिता का नाम, गुरुदेव ने जो दिया नाम, वो अगर हम सुमरण करेंगे कब? जब हम स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ पाने के लिए, काम, अर्थ, मोक्ष, सब चीज़ पाने के लिए यहाँ पर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, जो कुछ होना है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। ये सारी बातें मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना पैसे से बड़ी होती हैं। पैसा बाद की चीज़ है, पैसे में कुछ नहीं। देखो, आपको पता है लाखों लोग इस संसार के अंदर आत्महत्या करके ख़त्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बस वो पैसे की वजह से। ज़्यादातर वहाँ पर पैसा ही एक कारण बनता है, लेकिन वही इस चीज़ को सुन लें, इस चीज़ को समझ लें कि अरे यार कुछ नहीं, हम हैं, स्वस्थ हैं, जिंदे हैं। अब पता नहीं कितना पैसा, धन, माया, पुत्र, स्त्री, औरत, कितने मिलेंगे जीवन में। और जब हम ही स्वस्थ नहीं हैं, हम ही अच्छे नहीं हैं, तो फिर इन चीज़ों की क्या वैल्यू है। चलिए बात करते हैं MACP पर। देखिए, MACP पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, बहुत पुराना लेख है, 4-5 साल पुराना लेख है, मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आज भी बहुत सारे जो सैनिक भाई हैं, फौजी भाई हैं, जो सर हैं, उनको नहीं मालूम है कि MACP का क्या रोल है। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, MACP लेने के लिए आपको यहां पर कोई भी रैंक, आपने नौकरी करी है वहां पे, जैसे मान लीजिए सिपाही सारी है, तो 8 साल आपने अगर एक ही रैंक पे, रिटायर होने से पहले एक ही रैंक पे आपने जॉब कर ली है, और तो आपको यहां पर MACP का लाभ मिल सकता है। चलो पूरी बात करते हैं आगे। देखिए, ये 1 सितंबर 2008 से, अब थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, 2008 से इसको यहाँ पर ऑपरेशनल किया गया था। और यहाँ पर जो जो MACP मॉडिफाई एस्वर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है, इसका लाभ आपको मिलेगा कब? कि जब आपने बिना किसी प्रमोशन के 8, 16, 24 साल की जॉब आपने की है, तो ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, रैंक वाइज क्या पड़ेगा? अगर फ़ायदा मिल जाता है तो यहाँ आपको, आप ये सोच रहे हैं रैंक बढ़ जाएगी, रैंक तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपका पे स्केल बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर अगर तुमने प्रमोशन, सर आपने अगर प्रमोशन ले लिया है 8, 16 और 24 साल के अंदर अंदर, तो फिर आपको यहाँ पर ये लाभ नहीं मिलेगा, आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देखो, एंटी टाइप में सिपाही, हवलदार एंड आपका मान लीजिए ये एंट्री टाइप है, ये अगर एंट्री टाइप होती है और आप डायरेक्ट यहाँ पर इस एंट्री में प्रवेश करते हो, तो आपको यहाँ पर MACP फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप में दी जाएगी। इसके बाद में अगर सिपाही सर को इसका लाभ मिलेगा 8 साल की जॉब पर, तो उनको यहाँ पर नायक सर का पेमेंट मिलेगा, और अगर उनको यहाँ पर लाभ मिलता है 16 साल में, तो हवलदार सर का पेमेंट मिलेगा, और अगर उनको यहाँ पर मिलता है 24 साल में, तो यहाँ पर उनको नायक सूबेदार साहब का यहाँ पर उनको पेमेंट मिलेगा। बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री हवलदार साहब की, तो हवलदार साहब का यहाँ पर देखिए, अगर होता है 8 साल में, तो उनको नायक सूबेदार साहब का मिलेगा, और अगर उनको 16 साल का जॉब रहता है तो सूबेदार साहब का मिलेगा, और अगर उनको रहता है 24 साल का, तो सूबेदार मेजर साहब का उनको पेमेंट मिलने वाला है। अभी इसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जो डायरेक्ट एंट्री का मतलब है, जो पे लेवल 7th स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से आपको 8 ईयर, 16 ईयर और 24 ईयर का वहाँ से आपको हिसाब लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो जो इसके एप्लीकेबल ये स्कीम है, वो 1/9/2008 से यहाँ पर आदेश हुआ था कोर्ट का, उसके बाद यहाँ पर आदेश किया गया कि इसको 2006 से ही एप्लीकेबल किया जाए। इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, मैं बता रहा था ना कि इफ़ेक्ट फ्रॉम 1/9/2008 एंड नॉट फ्रॉम 1/2006, तो ये आदेश हुआ था इसमें कि इसको आप लोग
1/9/2008 से इफेक्ट करो। इसका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि इसको 1/6/2006 से यहाँ पर नहीं लागू करना है। नॉट फ्रॉम आया ना, और यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम आया है, तो ये चीज़ हमें समझने वाली होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, वीडियो को बनाने में, इसका मेटल लेने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप इतनी सारी मेहनत के लिए आप कम से कम 1 लाइक ज़रूर किया करो। आपको कुछ कमी दिखाई देती है, आपका मैं भाई हूँ छोटा, आप लोग मेरे को सुझाव दीजिए, लेकिन मदद का मतलब हेल्प तो ज़रूर करिए। आप इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि बहुत सारे जो भाई हैं उनको इसके बारे में नहीं पता है, तो उनको नॉलेज हो, तो वो भी लाभ ले लें। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि 8-8, 10-10 साल, 15-15, 16-16 साल, 24 साल नौकरी करके आ गए, उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं लिया और MSCP भी नहीं ले रहे, तो अगर उन्हें ये जानकारी होगी तो वो लेंगे ना। तो इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं आपसे अगली वीडियो फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।